देश में इस वक्त सियासी हलचल तेज है। 19 अप्रैल को 2024 लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया और अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में कूदी हुई हैं और लोकसभा चुनाव के लिए जान फूंक रही हैं। सत्ताधारी बीजेपी जहां सरकार रिपीट करने के दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की बात कर रहा है। बीजेपी 400 पार करने के लिए अपना दाव लगाने में जुटी है। कहा जा रहा है कि मोदी लहर चल रही है। लगातार दूसरी बार बीजेपी को केंद्र की सत्ता में लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट अब हैट्रिक पर है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि इस वक्त देश में बीजेपी बाकी पार्टियों के मुकाबले काफ़ी मजबूती से खड़ी है। बीजेपी आज अपने संबोधन में हर जगह एक ही सुर में 400 पार की बात कर रही है। ये तो रही भविष्य की बात, लेकिन अगर बात हम बीते वक्त की करें तो 400 पार से सीट का करिश्मा एक बार पहले भी हो चुका है। वो दौर था 1984 के चुनाव का, जब कांग्रेस ने 404 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये भारत के लोकसभा चुनाव में जीत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। हालांकि बाद में कांग्रेस की इस जीत को कहा गया कि ये इंदिरा गांधी की हत्या कोई बात उस समय चल रही सहानुभूति लहर के चलते हुआ है। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो ये उस वक्त एक नई नवेली पार्टी थी जिसने 244 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और केवल 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। और भारतीय जनता पार्टी को ये 2 सीटें जिताने वाले ना तो अटल बिहारी वाजपेयी थे और ना ही लाल कृष्ण आडवाणी, तो फिर कौन थे ये सांसद? आइए आज हम आपको उन्हीं 2 शख्सियत से रूबरू कराएंगे। दरअसल 1980 में स्थापित हुई बीजेपी का इतिहास बेहद ही दिलचस्प रहा है। 1984 में बीजेपी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सिर्फ 4 साल पुरानी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी के 2 सांसद बने थे। इनमें से एक साउथ के थे। दरअसल बीजेपी के चंदुपतला रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा से जीत हासिल की थी और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को हराया था। साल 1935 में जन्मे जंगा रेड्डी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत जनसंघ कार्यकर्ता के रूप में की थी। 1980 में भगवा पार्टी के गठन के बाद जंगा रेड्डी दक्षिणी राज्यों से भाजपा के पहले सांसद थे। छात्र जीवन से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे रेड्डी ने राम जन्मभूमि आंदोलन समेत कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। वो तेलंगाना सत्याग्रह आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे। वहीं दूसरी सीट गुजरात की महसाड़ा लोकसभा थी, जहां से बीजेपी के एके पटेल चुनाव जीते थे। बता दें कि एके पटेल वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर एके पटेल जनसंघ के समय से सक्रिय हैं। वो 1975 से 84 के बीच गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे। इसी दौरान वे गुजरात में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। बाद में जब बीजेपी की नींव पड़ी तो वो 2 साल के गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके बाद वो महसाड़ा से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए और इसके बाद वो लगातार 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए। बता दें चंदूपतला का 2022 में 86 साल की उम्र में निधन हो गया था, जबकि एके पटेल 92 साल के हो गए हैं। वो महसाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 1984 से 1998 तक 15 साल तक सांसद रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 1984 के बाद बीजेपी की सीटों का ये सिलसिला कैसे और कब बढ़ा। कहा जाता है कि 1984 में बीजेपी हिंदुत्व वाली विचारधारा पर नहीं, बल्कि गांधीवादी समाजवाद विचारधारा पर चुनाव लड़ती थी। लेकिन 1989 के चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को उठाया और मैनिफेस्टो में इसे प्रमुखता से रखा। राम की लहर से बीजेपी को बड़ी सफलता मिली और 1984 में 2 सीटें जीतने वाली ये पार्टी 1989 के चुनाव में सीधे 85 पर पहुंच गई, यानी अपने दूसरे ही चुनाव में बीजेपी की सीटें 43 गुना बढ़ गईं।
1991 में दोबारा चुनाव हुआ और उस दौरान बीजेपी राम मंदिर के निर्माण को लेकर आंदोलन कर रही थी, लिहाजा इस चुनाव में भी बीजेपी का ग्राफ बढ़ा और वो 120 सीटों तक पहुंच गया। 1996 में बीजेपी को 161, 1998 में 99 और 182 सीटें मिली। 2004 और 2009 में ये आंकड़ा कम हुआ, लेकिन 2014 में मोदी फैक्टर की वजह से फिर बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई और पार्टी ने 282 सीटें जीती थीं। 2019 में मोदी लहर का इतना असर दिखा कि बीजेपी 300 पार पहुंच गई और अब पार्टी 2024 चुनाव में 400 पार का दम भर रही है। फिलहाल कुछ ही सालों में देश की सबसे पुरानी पार्टी को पीछे छोड़ने वाली बीजेपी, जिसकी लोकसभा में एंट्री महज 2 सांसदों में हुई थी, अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार कर पाएगी या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेंगे।